हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज एक ऐसा ट्रिक दूंगा जो यूट्यूब में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, लेकिन ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा, ठीक है? तो खास करके मैं ये वीडियो ग्रुप पर्पसिंग के लिए है, और अगर मूड हुआ तो यूट्यूब में भी डाल दूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा आसूस का 110 के ऊपर, ठीक है? अब देख सकते हो आसूस 110MCS, इसका रिविजन 1.02 है। तो इस बोर्ड में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, दो तरह का प्रॉब्लम आता है इस बोर्ड में, तो मैं बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। पहला तो ये है, ये बोर्ड चलता है, डिस्प्ले नहीं आता है और सीपीयू हीट नहीं होता है, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम है। और एक जो प्रॉब्लम है, सीपीयू हीट होता है, चलता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है। और ये स्टट का इशू इस बोर्ड में ज़्यादातर नहीं आता है, मेरे हाथ में ज़्यादातर नहीं आया, लेकिन जितने भी आया, या तो बोर्ड चल रहा है, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं है, या फिर सीपीयू हीट हो रहा है फिर भी डिस्प्ले नहीं है। तो अगर सीपीयू हीट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं है, तो बायस का इशू हो सकता है, समथिंग कुछ और भी हो सकता है। अगर आपका बोर्ड चल रहा है, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है और डिबग कार्ड पे कोड 00 आ रहा है, इस बोर्ड में यूनिवर्सल जो डिबग कार्ड है, ये वाला डिबग कार्ड, ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है? कोडिंग नहीं आता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आपका हुआ कि बोर्ड चल रहा है, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है और 00 कोड है, तो अभी मैं एक ट्रिक देने वाला हूँ, वो ज़बरदस्त ट्रिक है। आप अगर यूज़ करोगे तो एक ही बार बोर्ड रेडी हो जाएगा, छोटा सा ट्रिक है। और ये वीडियो मैंने बहुत देखा, यूट्यूब में एक भी वीडियो नहीं है ऐसा। तो बात कम करते हैं, देखते हैं, ठीक है? तो पहले कंडीशन देख लेते हैं, बोर्ड का कंडीशन क्या है। ये बोर्ड अभी आया है मेरे पास, तो अभी नहीं, कल आया है, लेकिन टाइम मिला है अभी, तो अभी मैंने काम पे बैठा हूँ, इससे पहले मैं बिजी था, अभी रात के 1 बज चुका है। तो और भी एक बोर्ड है, सेम बोर्ड है, देख सकते हो, ये भी आसूस का है, ठीक है? ये भी 110 है, देख सकते हो आप। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसका कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो ठीक, जो मैं देने वाला हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो देखते हैं, बात कम करते देख लेते हैं। तो बोर्ड को मैंने SMPS डाल दिया, अभी भी ये बोर्ड एक बार भी सर्विस नहीं हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और मैंने भी कुछ भी नहीं किया अभी भी, ठीक है? मैंने जस्ट प्रॉब्लम को देखा, फाइंड आउट किया, और फिर मुझे लगा कि ये ट्रिक सबको देना चाहिए, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हो, मैंने SMPS का ATS डाल दिया, तो फैन भी एक लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि बोर्ड चल रहा है। डिबग कार्ड भी डाल देता हूँ। चलो अब मैं बोर्ड को स्विचिंग कर रहा हूँ, ठीक है? इसका फ्रंट पैनल किधर गया, एक सेकेंड, ये वाला फ्रंट पैनल देखो, सॉरी SMPS का पावर नहीं दिया मैंने, पावर दे दिया, अब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो, 00 कोड है, फैन चल रहा है, ठीक है? इसका CPU बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है, एकदम बर्फ की तरह ठंडा है, ठीक है? तो इसका VTT नहीं बन रहा है। तो आसूस का बोर्ड का डायग्राम थोड़ा सा अलग है, ये गीगाबाइट का बोर्ड होता तो कोई भी रिपेयर कर लेता, क्योंकि गीगाबाइट का बोर्ड रिपेयर करना थोड़ा सा आसान है, एक ही टाइप का प्रॉब्लम होता है जो करता है, लेकिन आसूस का एक्सपीरियंस सबके पास उतना नहीं है, मुझे भी नहीं था, तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, ठीक है? 00 कोड आप देख सकते हो, फिर भी मैं कीबोर्ड पे दिखा देता हूँ और डिस्प्ले पे VGA पे ही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? देख सकते हो, तो VGA लगा दिया, तो VGA मैंने लगा दिया, फ़ोन को मुझे उठाना पड़ेगा। ये है मेरा मोनीटर, एक सेकेंड, ये है मेरा मोनीटर, देख सकते हो, ये मोनीटर पावर सेविंग मोड में है, नीचे लाइट जल रहा है, लेकिन कोई भी डिस्प्ले नहीं है, ठीक है? और डिस्प्ले आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर
डिस्प्ले को आना था, तो यहाँ पर एक लाइट इंडिकेट होगा और नीचे एक होगा, ठीक है। तो सीपीयू एकदम हीट नहीं हो रहा है, देख सकते हो आप, मैं इतना देर चल रहा है, ऐसे अगर चलेगा तो आप ऐसे हाथ नहीं रख पाओगे अगर सीपीयू हीट हुआ तो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है मेरा पास। अगर टेम्परेचर मीटर होता तो मैं दिखा देता, मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को कि सीपीयू बिल्कुल हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोई मदरबोर्ड आए, 00 कोड है, चल रहा है बोर्ड, देख सकते हो बोर्ड चल रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसे बंद करता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो खोल दिया, टेन को भी हटा देता हूँ। तो इसे मैंने भी बहुत ढूंढा, तो मुझे भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो रहा था, थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा था, तब मैंने जाके इसका स्कीमेटिक मैनेज किया किसी के पास से, ऑनलाइन में मुझे नहीं मिल रहा था, ढूंढ रहा थोड़ा सा, तो मैं दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, एक ओपाम है LM358 करके, इसका ये एक नंबर पिन और ये तीन नंबर पिन, इसमें मैंने इसका डेटा शीट निकल के देखा है, तो यहाँ पर 3 वोल्ट आना चाहिए, 3 वोल्ट समथिंग, और यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग वोल्ट आना चाहिए, 85 या जो भी हो, मैं दिखा रहा हूँ बाद में। तो इस आईसी का इनपुट में 12 वोल्ट आ रहा था यहाँ पर, लेकिन एक नंबर पिन से कोई भी वोल्टेज आउट नहीं हो रहा था, तो इसका इशू यही था। इसीलिए इसका जो कोर आईसी है वो इनेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी मॉस्फेट पे वोल्टेज आ रहा था 12 वोल्ट ड्रेन पे और वो टिगर नहीं हो रहा था। तो मैंने बहुत ढूंढा ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर मिला, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो इसका नंबर है PQ307, ये वाला, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है PQ307, ये वाला, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर सॉरी मॉस्फेट है, ठीक है। तो इसका ड्रेन पे 5 वोल्ट आ रहा है लेकिन सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, 0-0 आ रहा है। तो तभी मैंने देखा, तो इस मॉस्फेट को मैंने जब भी देखा तब इसका डेटा शीट पे देखा, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, टिगर होना चाहिए, मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर इसका 5 वोल्ट आ रहा है पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बस एक बार ट्राई किया, ट्वीजर से शॉर्ट किया, तब जाके मुझे डिवा कट पे 2 लाइट इंडिकेट होने लगा। उसके बाद मैंने सीपीयू पे हाथ रखा, तब देखा सीपीयू हीट हो रहा है, फिर रैम लगा के डिस्प्ले देखा तो डिस्प्ले आ गया है। तो जब भी मैंने ट्वीजर हटा दिया तो फिर से डिस्प्ले चला गया। तो अभी मैं कुछ भी नहीं किया, इस मॉस्फेट को मैंने उठाया भी नहीं अभी, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा बाईपास कर रहा हूँ, जंपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी देख लो क्योंकि बहुत काम आएगा ऐसा वीडियो, यूट्यूब में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, सारा दिन भर ढूंढते रहोगे तो भी नहीं मिलेगा। और आसूस का मदरबोर्ड में यही एक प्रॉब्लम आता है जिसका सलूशन यूट्यूब में नहीं है। तो ये वीडियो अगर जिसको भी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के बाद ये सलूशन आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा अगर ऐसा बोर्ड आपके पास आए तो, ठीक है। तो हम इसका रैम को खोल देते हैं पहले, तो मैं दिखाता हूँ, मैं अभी यहाँ पर एक जंपर करने वाला हूँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इसका नंबर है PQ, अब नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, PQ307, ठीक है, एक सेकेंड मैं फिर से दिखा दूँ, अब दिख रहा है क्लियर, ठीक है, PQ307 यहाँ पर लिखा है, ये वाला मॉस्फेट, ये वाला, ठीक है, ये वाला मॉस्फेट। तो मैं अभी जंपर करने वाला हूँ और बाद में मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ से कहाँ तक जंपर किया, साथ में रहिए। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो सबको अच्छा लगेगा, जो एक्सपर्ट है उसे भी जानना चाहिए क्योंकि हर सलूशन सबके पास नहीं होता है। तो चलो देखते हैं, आयरन को मैंने ही दे दिया, ओ अभी 1:30 बज चुका है रात का,
पहले भी बहुत सारा बोर्ड था, रिपेयर किया लेकिन वीडियो नहीं बनाने का मूड था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आया है, मैंने ढूंढा, ढूंढने के बाद मुझे लगा कि चलो ये प्रॉब्लम बिल्कुल जेनेटिक प्रॉब्लम नया है, इसे देना चाहिए। तो मैं अभी एक नॉर्मल वायर से जम्पर कर रहा हूँ। इसका नंबर क्या है मॉस्फेट का, मैंने ठीक से याद नहीं है मेरे को, तो मैं यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा दूंगा, ढूंढ के अगर मिले तो उसका वैल्यू देख के मैं लगा दूंगा। ठीक है, मेरे पास 110 का और भी आसूस का मदरबोर्ड है, मैं उससे उखाड़ के लगा दूंगा। तो अभी मैं बाईपास कर रहा हूँ, और आपको अगर सही से बाईपास करना आता है अगर तो फिर करिएगा, अगर कुछ उल्टा उल्टा कर दिया तो दूसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बोर्ड में। तो अभी मैं बाईपास कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको मैंने कहाँ से कहाँ तक किया बाईपास। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको, मैं पास से दिखा दूंगा। ठीक है, मैं पहले कर लूँ ठीक से, उसके बाद मैं पास से दिखा दूंगा। ये वीडियो बनाते बनाते करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। देखा से ये शोल्डरिंग आयरन का से नहीं होगा, मुझे दूसरा वाला लेना पड़ेगा। फिर भी एक बार थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं इस आयरन को चेंज करूँगा। यहाँ पर घुस नहीं रहा, इसका जो बीट है वो घुस नहीं रहा यहाँ पर। इसका जो बीट है ये घुस नहीं रहा है, तो थोड़ा सा सबर करें, मैं दूसरा आयरन हीट दे रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करें, इसका बीट यहाँ पर घुस नहीं रहा है। ठीक है, मुझे मुझे और भी शार्प बीट लेना पड़ेगा, सॉरी फिर आयरन गिर गया। ठीक है, मुझे शार्प बीट यूज़ करना पड़ेगा। देखता हूँ एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हुआ, नहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ, आपको दिख रहा है ना। चलो एक सेकेंड में फुल हीट कर देता हूँ, जल्दी से हीट हो जाए ये आयरन। ये वीडियो सबको अच्छा लगेगा मैं उम्मीद रखता हूँ, और अगर कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कमेंट भी करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। चलो मैंने फिक्स कर दिया, मैंने अभी फिक्स कर दिया, तो मैं दिखा रहा हूँ पास से। अब नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बड़ा वाला ऑयल लिया। यहाँ पर जो मैंने बोला था PQ307 था, उसका गेट और सॉरी ड्रेन और सोर्स पे मैंने 5 फुट इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, 5 वोल्ट इंपोर्ट कर दिया, तो आपको भी देख के करना है। तो अभी हम इसको पावर देंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका कंडीशन क्या है। साथ में रहिए आप, थोड़ा सा और हो गया, बस सीपीयू को रख दिया, एक रैम भी लगा देता हूँ मैं, ताकि अगर डिस्प्ले आए तो आपको तुरंत दिखा दूंगा। ठीक है, आ जाएगा 100%, अगर जंपर सही से हुआ तो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं फिर से एक बार जंपरिंग करूंगा। तो अभी मैं डिबग कार्ड को यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ नॉर्मली।
और बीजे को लगा देता हूँ, कीबोर्ड को भी लगा रखता हूँ, ठीक है, लगा के रखता हूँ, कीबोर्ड को भी लगा के रखता हूँ, एक सेकेंड, अभी मैं पावर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, मैं पावर दे रहा हूँ, मैंने पावर दे दिया, अब स्विचिंग कर रहा हूँ बोर्ड को, ठीक है, कहाँ गया फोन पर, ये वाला, एक सेकेंड, स्विचिंग हो गया, अब देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट इंडिकेट हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, नीचे एक हुआ था पहले, फिर एक हुआ, अब मैं डिस्प्ले की ओर जाता हूँ, ये आ गया, चलो सक्सेसफुली डिस्प्ले आ गया, ठीक है, ये एकदम 100% जेन्युइन फुटेज है और एकदम बिल्कुल रॉ फुटेज है, ठीक है, मैं अभी भी डालूंगा यूट्यूब पे और ग्रुप पे तो डाल ही दूंगा, मैं फिर से एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियो तो अच्छा लगेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ सबको, मैं और एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, अब देखो ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया और एक बार, एक सेकेंड, हुआ नहीं अभी, एक सेकेंड, हाँ रिस्टार्ट हो गया, देख सकते हो आप, मैंने रिस्टार्ट कर दिया, फिर से डिस्प्ले आ जाएगा, एक सेकेंड, आसुस का लोगो आ चुका है, आप देख सकते हो, ये अमेरिकन ब्रिगेडेंस आ गया और ये देख